हेलो गाइस, आप सभी देख सकते हैं हम इस समय NSTI देहरादून के छात्रावास के सामने बैठे हुए हैं और ये हमारे कॉलेज के दो ट्रेनी जिनका नाम है महेश जी इधर साइड में और कार्तिक जी। ठीक है, अब ये आप लोगों को बताएंगे NSTI देहरादून की खूबियाँ और अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। आप मिलिए कार्तिक जी, पहले आप बताइए कुछ यहाँ के बारे में। मेरा नाम कार्तिक शर्मा है, मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूँ। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क मेंटेनेंस ट्रेड का ट्रेनी हूँ। कोई नहीं, आराम से कंफर्ट। और क्या हो रहा है और बताइए अपने बारे में, आपने क्या क्या यहाँ सीखा, क्या अचीव किया, कैसा लगा कॉलेज का माहौल, टीचर्स कैसे हैं? अच्छा है, जगह अच्छी जगह है, देहरादून प्लेन इलाके में पड़ती है, काफ़ी कुछ अच्छा है। बाकी हमारे पहाड़ों से अच्छा तो नहीं है, पहाड़ों का तो क्या कहना। आपने कहाँ से बताया था? शिमला। इतनी खूबसूरत जगह से हो आप, इसलिए आपको देहरादून थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है ना? जी जी बिल्कुल, प्लेन लग रहा है। और जो मैदानों से आए हैं उनसे पूछिए, उनको तो लगता है ये पहाड़ में ही आ गया क्या। जन्नत इनके लिए है? तो नेचुरल सी बात है, जन्नत ही लगेगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी कुछ ऐसा है कि यूपी साइड जाएंगे तो 45-50 के आसपास रहता है टेम्परेचर, और यहाँ पे आएंगे तो नॉर्मल 35-36 के आसपास देखा मैंने। बट हमारी साइड जाएंगे तो वहाँ पे तो 25-26 तक मैक्सिमम। बहुत बढ़िया सर, आप अपने ट्रेड में अपने स्टाफ के बारे में कुछ बताएं। जी, हमारे जो JC हैं, हमारे संजीव सर जी और हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर है मैम रंजनी कुमार, दोनों अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैम की कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छा चल रहा है सत्र हमारा, बस थोड़े समय में संपन्न होने वाला है और इसके बाद फिर देहरादून से अलविदा। ओके, मतलब आपको यहाँ ट्रेनिंग करके मज़ा आया? जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। महेश जी आप बताइए कहाँ से? महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा हिंदी आती नहीं है, मैंने शुद्ध हिंदी बोलती हूँ, तो मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि मैं मराठी में बात करना चाहता हूँ। सर ऐसे लैंग्वेज यूज करिए सर जो हमारे दर्शकों को समझ में आए। नमस्कार मित्रांनो, तर आज मी उपस्थित आहे देहरादून उत्तराखंडमधील देहरादून या सिटीमध्ये। सुंदर असे दृश्य, तुम्हाला माहितीच असेल, तुम्ही वेबसाईट वगैरे चेक करत असाल, यूट्यूब बघत असाल, तर तुम्हाला इथं जे दृश्य आहे निसर्गरम्य दृश्य। सर हिंदी में बोलिए, हमें नहीं समझ में आ रहा, दर्शक को क्या समझ में आएगा? समझ रहे, फीलिंग समझ रहा हूँ जो। अच्छा, मैंने बोला वही बात है। आणि इथे जे सोयी सुविधा आहे NSTI मध्ये, खूप सुंदर अशी सोयी सुविधा, अच्छी सुविधा आणि पूर्ण इंडियामध्ये याच्यामध्ये खूप काही सुविधा मिळत आहे। पण एक प्रॉब्लेम महाराष्ट्रासाठी आहे की ते जेवणाचं मोठा प्रॉब्लेम आहे, मेस प्रॉब्लेम, मेस खाने का प्रॉब्लेम आहे महाराष्ट्रीयन मालूम। अच्छा, मतलब मराठी फूड नहीं मिलता है यहाँ? नहीं मिलता ना? हाँ, मराठी का फूड थोड़ा थोड़ा होना है, खाने को मिलता है बट ज़्यादा तो मिलता भी नहीं। कोशिश तो पूरी है मैम। तो प्लीज सर आप क्वेश्चन पूछे, मैं आंसर आपको हिंदी में। सर आप बताइए NSTI देहरादून में महाराष्ट्र से आके आपको ट्रेनिंग करके कैसा लगा? आपको अपनी आप कैस मतलब क्या क्या चीज़ें आपने सीखी या फिर आपको क्या यहाँ पर अच्छा लगा इस कॉलेज में महाराष्ट्र इसके अलावा? हाँ, तो मैं यहाँ देहरादून में आके NSTI में जैसे ही मैंने पदार्पण किया था तो मैं जीरो था, जीरो, अभी हीरो हो गया हूँ। ओह भाई, NSTI देहरादून की वजह से हीरो बनने के लिए। और आपको पहले बता दिया कि इधर का जो भी नेचुरल व्यू है बहुत ही बेहतरीन, हमारे इधर आपको मिलेगा समुंदर की लहरें, इधर आपको पहाड़ियों की वादियाँ से गुजरना पड़ेगा, बहुत ही जबरदस्त नज़ारा यहाँ का। JP तो महेश जी, तो बहुत अच्छा बताया आपने, और आप अपने व्यूअर्स कहेंगे ये महेश जी को अपना ध्यान रखें, ये महेश जी हैं और कार्तिक जी, ये दोनों ने अच्छा बताया NSTI देहरादून के बारे में, इन्हें जैसा अभी महसूस हुआ यहाँ पर ट्रेनिंग करके। तो अगले ब्लॉग में मैं आप सभी को अगले ब्लॉग में आप यूपी वाले से मिलाऊंगा जो यूपी की खूबियाँ बताएंगे और NSTI देहरादून में जो भी चीज़ें उन्होंने सीखी है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। थैंक यू। चलो अभी स्टार्ट चालू करो, पैसा होगा।